इंशाल्लाह ताला आपके साथ पार्लियामेंट खड़ी है, मुल्क का सबसे मुक्तदर ईवान मुत्तफिका तौर पे आपके साथ खड़ा है। अल्लाह के फजलो करम से आपकी हुकूमत को कुछ नहीं होगा, लेकिन लेकिन जब इस सफर से हम गुजर जाएंगे, जब इस मरहले से, इस इम्तिहान से गुजर जाएंगे, निकल जाएंगे, सब निकलेंगे, आपका हाथ हमने थाम रखा है, अपोजिशन ने थाम रखा है, ऐसी मिसाल नहीं मिलती कभी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में जहां एतजाज अहसन ने अपोजिशन की जानिब से भरपूर तावुन की यकीन दहानी कराई, वहीं ये अंदेशा भी जाहिर किया कि अगर हुकूमत बच निकली तो उनके वुजरा की रऊनत और बढ़ जाएगी। अगर आज तायरुल कादरी और इमरान खान की यलगार और लश्कर कामयाब हो गया तो आईन और कानून की यकीनन धज्जियां उड़ाई जाएंगी। यकीनन उनकी कामयाबी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आईनी और कानूनी स्याह दिन होगा। लेकिन हमारे अंदेशे ये हैं कि जनाब मोहतरम वजीर आजम की हकूमत अगर इस इम्तिहान से बच निकली तो इनके वुजरा और साथियों और रुफका के तकबर और रौनत में और इजाफा भी हो जाएगा। एतजाज अहसन ने इमरान खान और ताहिरुल कादरी के धरनों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि धरने और इनकलाब की कॉल देने वालों की किसी ने ना सुनी, सीने पर गोली खाने का दावा करने वालों ने बच्चों और खवातीन को आगे कर दिया। कौन सा 10 डाउनिंग स्ट्रीट, कौन सी दुनिया में ऐसा 10 डाउनिंग स्ट्रीट है जिसमें ऐसे मुसल्ला जत्थे को इजाजत होगी कि वो दरवाजे तक आ जाए और उसके उसके लीडर ने, कायद ने उसको एक ने ये कहा हो कि मैं उस घर में घुस के डेविड कैमरॉन की गले से गर्दन पकड़ के मरोड़ दूंगा। कौन सा 10 डाउनिंग स्ट्रीट है ऐसा? ये कहना, और मुझे रश्क आता है मीडिया पे, जो मीडिया वाले बार बार यही कहते जाते हैं पुरअमन लोगों पे तशद्दुद हो गया। पुरअमन थे औरतें और बच्चे, औरतें और बच्चों को आगे ले जाके आगे जो चला रहे हो आगे। उन्होंने कहा कि इस्तीफे का मुतालबा करने वाले परवेज खटक से इस्तीफा तो नहीं ले सके, वजीर आजम से कैसे ले लेंगे? ये यलगार पार्लियामेंट के खिलाफ है, ये यलगार जो गैर आईनी गैर कानूनी है पर बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत और पार्लियामेंट के खिलाफ है। वजीर आजम से इस्तीफा मांग रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। वो डॉक्टर मालिक की जो हुकूमत है उसके बारे में ये क्या कहेंगे? कायम अली शाह से इस्तीफा किस तरह? खुद अपने खैबर पख्तूनख्वा के परवेज खटक से तो इस्तीफा ले नहीं सके, उसने बड़ी होशियारी की, कमाल किया उसने।